आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे आखिर अक्षय कुमार ने अपने फ्लॉप फिल्मों के बारे में क्या दे दिया है रिएक्शन। आइए जानते हैं जिसको लेकर हो रहे हैं ट्रोल। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने अपने कैरियर के में एक से एक बढ़कर फिल्म दी। हालांकि बीते काफ़ी समय से अक्षय कुमार एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं। अक्षय कुमार की बैक टू बैक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अक्षय कुमार की लगातार फ्लॉप फिल्मों देने पर आलोचना भी हो रही है। अब अक्षय कुमार ने अपने फ्लॉप फिल्मों को लेकर अपनी आलोचना तक तमाम मुद्दों पर बात की। आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने अपनी असफलता को लेकर क्या रिएक्शन दिया। अक्षय कुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। इस दौरान अक्षय कुमार ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट हो या फ्लॉप उससे मुझे कोई मायने नहीं रखता और उन्हें आलोचना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षय कुमार ने कहा, मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक कॉमन बात यह है कि जब से सब अच्छा होता है तो सभी लोग तारीफ करते हैं और जब ऐसा नहीं होता है तो ये लोग आपकी कल्पना से ज़्यादा आलोचना करते हैं। मैं इंसान हूँ और अच्छा होने पर अच्छा लगता है और बुरा होने पर बुरा लगता है, लेकिन मुझे अपने टैलेंट पर गर्व है और कि मैं इस सबसे जल्दी आगे बढ़ाऊँगा, वो चीज़ मुझे आगे बढ़ाता है। वही इच्छा जो मेरे अंदर काम शुरू करने से पहले थी, मुझे अब भी वही पसंद है कि मैं काम करता रहूँ, फिल्मों पर ध्यान ना दूँ कौन सी फिल्म है हिट हो रही है फ्लॉप। अक्षय कुमार ने आगे कहा, मुझे बॉक्स ऑफिस के आंकड़े प्रभावित करते हैं। हम बॉक्स ऑफिस आंकड़ों कारण बनते या बिगड़ते हैं, इसे आप हिट होते हैं या फ्लॉप यही मायने रखता है। दर्शक हमें बताते हैं कि हम कब सही और कब गलत हैं, ये सब बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में दिखता है। क्योंकि अगर कोई भी फिल्म नहीं चलती है तो इसका मतलब आपको देखने के लिए पब्लिक सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंचते, इसमें आपकी कोई कमी है। मुझे लगता है एक पूरी इंडस्ट्री के तौर पे हम सब ऐसे कोशिश करना चाहिए कि दर्शकों को हम सिनेमा हॉल तक लाएं, अपनी कैसी भी फिल्म हो लेकिन उसे सिनेमा हॉल तक लाने की कोशिश करें। इस पर आपकी क्या राय, क्या अक्षय कुमार ने सही बोला है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।